क्वेश्चन है 29 जेन यानी आज का जेई मेन शिफ्ट 1 का क्वेश्चन कह रहा है इफ एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 बेस एक्स अपॉन लॉग ऑफ एक्स माइनस 4 बेस एक्स माइनस 1 इज अ फंक्शन व्हाट इज इट्स डोमेन। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, जो गिवन है वो लिख लेते हैं लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 बेस एक्स अपॉन लॉग ऑफ एक्स माइनस 4 बेस एक्स माइनस 1, इसका डोमेन बताना है। देखो पहले ऊपर वाले न्यूमरेटर का कर लेते हैं, ठीक है। तो एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0, एक्स ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 1, साथ में कंडीशन, ठीक। पहले वाले का डिनोमिनेटर वाले का देखो एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि जब 1 हो जाएगा तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा जो कि अनडिफाइंड हो जाएगा। फिर एक्स माइनस 1 के लिए एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0 और एक्स माइनस 1 नॉट इक्वल टू 1, ठीक। दोनों अलग अलग लिख लिया, ये न्यूमरेटर का लिख लिया, डिनोमिनेटर का कंडीशन लिख लिया। अब न्यूमरेटर से देखो एक्स माइनस एक्स ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो न्यूमरेटर से आया x belongs to 1 to infinity, ठीक, ये numerator दे दिया हमें। denominator में देखो x greater than 4 है, x not, देखो पहले वाले से क्या कह रहा है, x greater than 4 है, 5 पे कह रहा है नहीं लेना है भैया, ठीक है, 5 पे नहीं। x greater than 1, x not equal to 2, जब 4 से बड़ा ही ले लिया तो ये दोनों कंडीशन ऐसे ही नॉट इंक्लूडेड है। तो यहां से आपको क्या मिला, x greater than 4 to infinity minus 5, 5 को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। अब आप न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को क्या करो, कंबाइन कर लो, मतलब इनका इंटरसेक्शन ले लो, तो फाइनली क्या आपका बनेगा, यही बन जाएगा, ठीक है। तो यही आपका फाइनली डोमेन हुआ, एक्स कहां से कहां तक, 4 से इन्फिनिटी तक, लेकिन 5 को छोड़ के, ठीक है।